हाय, वेलकम बैक नेरका फैशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल से लूम। कई वीडियो आपने लूम के देखे होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आपके पास लूम बनाने के लिए फैब्रिक नहीं बचता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं बचता है, तो किस तरीके से हम लूम बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर लूम लग रहे हैं और बिल्कुल कम कपड़े हमने यूज़ किया है, तो वही ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये देखिए, इसे आप काइट वाला यानी पतंग लूम भी कह सकते हैं, कितना छोटू सा है ना। अभी देखिए, अब यहाँ पर हम 2x2 यानी 2 इंच का हम चारों तरफ से दोनों होने चाहिए, और इस तरीके से छोटे से को हम एक और शेप में करेंगे ट्रायंगल में, फिर एक और शेप बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा जैसे पेटीज वाला समोसा होता है ना, ठीक वही पैटर्न है। अब इस तरीके से हम डोरी को रखेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ टर्न करना है। ये देखिए, दूरी आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम ज़्यादा, कि इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग रखना है, और सिले लगने के बाद आपको इसे पलट लेना है और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। चाहे तो आप जहाँ बच रहा है वहाँ पर आप मोती भी अटैच कर सकते हैं, ऊपर और अंदर दोनों साइड। तो इस तरीके से कुछ हमारा लुक रेडी होता है। अब सेकेंड भी देखिए, ये भी हमारा 2x2 यानी 2-2 इंच का ही ये चारों कोनों का स्क्वायर बना हुआ है ये हमारा, और इस तरीके से इसे रखेंगे। जो हमारे ब्लाउज़ की सिलते वक्त जो छोटी छोटी सी जो कतरन बच जाती है ना, ठीक उसी कतरन का बनाया है हमने ये। और ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें पलट लेना है, और जो एक्स्ट्रा है उसे आप कट कर लीजिए। बस सिंपल सा, आपने कई बार लूम देखे होंगे, लेकिन कम कपड़े में भी हम लूम किस तरीके से बना सकते हैं वो वाला ट्रिक आप देखिए। मेन ये है इस वीडियो का। अब ये देखिए, 3x3, अब 3x3 का लिया, उसके बाद हमारे पास ब्लाउज़ की जो ब्लेज के छोटे से टुकड़े बचे हुए रहते हैं उसको भी इस्तेमाल हमने किया। अभी देखिए, कितना छोटा सा जो बचा हुआ टुकड़ा था उसी को हमने यूज़ किया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो उसे ट्रिम कर दीजिए। अब इसे भी हम ठीक उसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि हमने ये आगे के 3 लगाए हैं, तो इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और सेट करते हुए जैसे हमने पहले मशीन लगाई वैसे ही अभी भी लगा लेंगे। आप ये देखिए, आगे वाले हमने 3 लूम 2-2 इंच वाले कपड़े से बनाए, और ये ऊपर वाला 3 से बनाया है। अब इसे भी टर्न कर लेंगे और ऐसे हम 2 बनाएंगे। तभी देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी कतरन से हमने इसको रेडी किया है। अगर आप चाहे तो छोटी छोटी कतरन का छोटा सा पीलू कवर बनाकर उसके अंदर कतरन भरकर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतनी छोटी छोटी सी कतरन बची थी। आप देख ही सकते हैं कितनी छोटी सी कतरन है, 2 इंची वाले टुकड़े से हमने इसको लूम रेडी किया, और आप पूरा आखिरी लुक देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में कितना सुंदर लग रहा है। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा लूम ये रेडी हुआ, और हमने दोनों ही इसी बेस के एक अकॉर्डिंग रेडी किया था। तो ये देखिए, आपको पता ही है कुछ साड़ियाँ छोटी होती है तो लूम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ब्लाउज़ में, तो ये इस तरीके